आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। So the question is, the half of C14 isotope is 5770 years, time after which 72% of my isotope left is kitna? ठीक है, question में मुझसे क्या बोल रहा है, मुझे half life given है, which is t half of my C14 isotope, और वो कितनी given है मुझे, ये मुझे given है 5770 years, ठीक है। अब मुझसे पूछ रहा है कि time जो है after which मेरा जो isotope है 72% left होगा, वो टाइम कितना है मुझे वो बताना है, ठीक है। अब हमें पता है एसएनसी क्या, हमें आइसोटोप की बात हो गई, दैट मींस क्या ये रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है ना, और मुझे पता है कि मेरे जितने भी रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस होते हैं, रेडियो एक्टिव डीकेज होते हैं, वो क्या काय के एग्जांपल्स होते हैं, देर एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात जहाँ पर आ जाए, तो हम रिलेशन निकाल सकते हैं क्या है, जो मेरा रेट कांस्टेंट है उसमें, और टी हाफ में जो मेरा रिलेशन होता है क्या होता है, के इज इक्वल्स टू, दैट इज रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे हमारा रेट कांस्टेंट, क्योंकि मुझे टी हाफ गिवन है, तो दिस इज 0.693 अपॉन टी हाफ कितना है, 5770 ईयर्स। तो इसको लेट से हम इसको अभी यहीं ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। अब मुझे टाइम क्या पूछा है, मुझे टाइम पूछा है कि जब मेरा जो आइसोटोप है 72% बचेगा, वो उतना टाइम मुझे बताना है, ठीक है। तो मुझे पता है मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हमारा इक्वेशन होता है, इट इज इक्वल्स टू टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन माई रेट कॉन्स्टेंट इन टू लॉग ऑफ आउट इनिशियल कंसनट्रेशन अपॉन दी कंसनट्रेशन एट टाइम टी, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशियली तो हमारा कितना होगा, 100 होगा, है ना, कंसनट्रेशन। लेट से ये मेरा C14 isotope है, ठीक है, इनिशियली, और ये B में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। सो इनिशियली लेट्स से ये 100 है, ठीक है, अब ये मेरा जीरो फॉर्म हुआ है, आफ्टर टाइम T ये कितना बचा है, हमें बताया है क्वेश्चन में कि 72% ही बच रहा है, ये दैट मीन्स ये जो बना है मेरा, ये कितना बना है, 100 माइनस 72 प्रोडक्ट B जो फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन में अपनी वैल्यूज पुट करूँगी तो क्या हो जाएगा, 2.303 पर रेट कॉन्स्टेंट कितना है, दिस इज 0.693 इंटू 5770, ठीक है, लॉग ऑफ इनिशियल कितना है मेरा, 100 अपॉन एट टाइम टी कितना बचा है, 72, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी यहाँ पर, इस पूरे टर्म को जब मैंने सॉल्व किया, तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, ये आएगा मेरे पास 19175.05 इंटू लॉग ऑफ 100 माइनस लॉग 72, ठीक है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगी इस लॉग वाले टर्म को, तो ये आएगा मेरे पास, ये तो हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये टर्म आएगा मेरा 0.143 आफ्टर टेकिंग, आफ्टर कैलकुलेटिंग द लॉग, ठीक है। तो फाइनली जब मैं इनको सॉल्व करूँगी, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, इट इज 2742.03 ईयर्स, ठीक है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू कितना, 2740 ईयर्स। तो ये मेरा टाइम है आफ्टर विच मैं 72% ऑफ द आइसोटोप इज लेफ्ट। तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ, तो ऑप्शन नंबर वन में है जो मेरा टाइम गिवन है वो है 2740 ईयर्स, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।